ओम शांति। आज है 3 अगस्त 2023। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। आज है सतगुरुवार। आज के महावाक्य में मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे याद की यात्रा में टाइम देते रहो तो विकर्म विनाश होते जाएंगे, सबसे ममत्व मिट जाएगा, बाप के गले का हार बन जाएंगे। प्रश्न, गॉडफादर द्वारा तुम बच्चे किन दो शब्दों की पढ़ाई पढ़ते हो, उन दो शब्दों में कौन सा राज समाया हुआ है? उत्तर में बाबा बोले, गॉडफादर तुम्हें इतना ही पढ़ाता है कि हे आत्माएं, शरीर का भान छोड़ो और मुझे याद करो। गॉडफादर तुम्हें इतना ही पढ़ाता कि हे आत्माएं, शरीर का भान छोड़ो और मुझे याद करो। यह दो शब्दों की पढ़ाई इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि अब तुम्हें इस पुरानी दुनिया में पुरानी खाल नहीं लेनी है, तुम्हें नई दुनिया में जाना है। मैं तुम्हें साथ ले चलने आया हूँ, इसलिए देह सहित सब कुछ भूलते जाओ। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चे सालिग्राम जानते हैं कि कोई मनुष्य द्वारा हम शास्त्र नहीं सुनते हैं, इसको सत्संग नहीं कहा जाता है, पढ़ाई कहा जाता है। अगर मनुष्यों से पूछा जाए तो कहेंगे कि हम सत्संग में जाते हैं, वह कहेंगे कि हम कॉलेज में जाते हैं। यह तो जानते हो, सत्संग में साधु संत विद्वान आदि सुनाने वाले होंगे। स्कूल में भी मनुष्य टीचर प्रोफेसर आदि होंगे, यहाँ मनुष्य नहीं है। यह है बेहद का रूहानी बाप, जिसको कहा जाता है त्वमेव माताश्च पिता। यह महिमा देवताओं की भी नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी नहीं, यह महिमा है निराकार परमपिता परमात्मा की। अब बच्चे जानते हैं कि निराकार परमपिता परमात्मा यह शरीर धारण कर पाठ बजा रहे हैं, सिवाय इस निराकार परमपिता परमात्मा के कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पढ़ा नहीं सकते। ब्रह्मा को भी ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, इसको प्रजापिता कहेंगे। ज्ञान सागर एक ही निराकार परमपिता परमात्मा को कहा जाता है, वही पतितों को पावन बनाने वाला है क्योंकि ज्ञान सागर से ही सदगति होती है। यह है नई बात। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से खंडन कर दिया है। अब मनुष्यों को कैसे पता पड़े कि नॉलेजफुल परमपिता परमात्मा आकर नॉलेज देते हैं, यह मनुष्य भूल जाते हैं। ऐसे नहीं कि शास्त्र आदि द्वापर के आदि में ही बनते हैं, नहीं, समझाया जाता है पहले बाप का चित्र मंदिर आदि बनते हैं, जिससे भक्ति शुरू होती है। भक्ति भी बहुत समय परमात्मा की होनी चाहिए क्योंकि ऊंचते ऊंच वह है, उनकी पूजा पहले शुरू होती है। पूजा लायक है ही एक शिव, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर व जगतम्बा जगतपिता पूजा के लिए लायक हैं, ऐसे नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर व जगतम्बा जगतपिता पूजा के लिए लायक हैं। इन सबको पूज्य बनाने वाला एक ही बाप है, उनकी भक्ति भी जरूर अधिक होगी। यह ब्रह्मा तो कुछ नहीं, इनमें परमपिता परमात्मा न आए तो इनकी पूजा क्या होगी। सबका सदगति दाता एक ही बाप है। यह विचार सागर मंथन करना होता है, भक्ति कैसे शुरू होगी। शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते, बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। सरस्वती जो ब्रह्मा की मुख वंशावली है, उनको भी विचार सागर मंथन करना है। ऊंचते ऊंच है एक, अगर वह न आए तो दुनिया को पतित से पावन कौन बनाए। सब मनुष्य मात्र पतित हैं, अब शिव बाबा न आए तो स्वर्ग का वर्षा कौन देवे। अब शिव बाबा न आए तो स्वर्ग का वर्षा कौन देवे। निश्चय बुद्धि नहीं है तो विजयमाला में पिरो न सके। सपुत बच्चे सदैव गले का हार बनते हैं, बाप भी खुश होते हैं। यह बच्चा बड़ा सपुत आज्ञाकारी है। बहुत माँ बाप होते हैं जिनको 12-14 बच्चे भी होते हैं, जिनमें कोई कपूत कोई सपूत भी होते हैं। पतित पावन बाप के सिवाय पतितों का उद्धार कोई कर नहीं सकते हैं। तुम जानते हो कि गंगा नदी पर भी गंगा का मंदिर है, तो समझाना चाहिए कि यह गंगा फिर कौन है, क्या यह कोई शक्ति है।
जिससे पतित से पावन बनते हैं व पानी से पावन बनते हैं। बाप कहते हैं कि गंगा पतित पावनी नहीं, सिवाय योग के कोई भी पावन बन नहीं सकते, इसलिए तुम्हें कोई गंगा स्नान नहीं करना है। योग का अर्थ है याद, बुद्धि का योग लगाना है। वह तो बहुत योगासन आदि लगाते हैं, अनेक प्रकार के हठ योग करते हैं, उनको योग नहीं कहा जाता है। माताएं अबलाएं हठ योग को क्या जाने, बाबा समझा रहे हैं कि माताएं अबलाएं हठ योग को क्या जाने। मनुष्य स्कूल में पढ़ते हैं, उसमें धक्के खाने की कोई बात नहीं रहती है, कोई ना कोई इम्तिहान पास करते हैं, जानते हैं यह इम्तिहान पास करके यह बनेंगे। यहाँ भी तुम जानते हो यह भी इम्तिहान है, गॉडफादर पढ़ाते हैं, वह है पतित पावन, तुम्हारी है गॉडफादरली स्टूडेंट लाइफ। बाप पतित से पावन कैसे बनाते हैं, कहते हैं हे आत्माएं इस शरीर का भान छोड़ो, इस पुराने शरीर को छोड़ना है। पहले पहले तुम्हारा शरीर गोरा था, अब आयरन एजड हो गया है, अभी तुमको नई खाल तो यहाँ लेनी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो पांच तत्व ही तमो प्रधान है। अभी मैं तुम बच्चों को अपने साथ ले जाऊँगा, कल्प पहले भी ले गया था, मैं कालों का काल हूँ, सबको वापस ले जाऊँगा, फिर तुमको अमरपुरी में भेज दूँगा। यह है मृत्यु लोक, छीछी दुनिया, इसलिए सत्संगम युग को 100 वर्ष चाहिए। क्या समझा रहे हैं बाबा, कि यह है मृत्यु लोक, छीछी दुनिया, इसलिए संगम युग को 100 वर्ष चाहिए। और तो हर एक युग 1250 साल का होता है, इस पिछाड़ी के संगम युग की आयु बहुत छोटी है, जैसे ब्राह्मणों की छोटी होती है। क्या कह रहे हैं, जैसे ब्राह्मणों की चोटी छोटी होती है, ब्राह्मणों की क्या छोटी होती है, चोटी छोटी होती है, वैसे संगम युग की आयु भी छोटी है। आज की सतगुरुवार की वाणी में बाबा संगम युग की जो आयु है उसके बारे में कह रहे हैं कि यह 100 वर्ष का है। और तो हर एक युग 1250 साल का होता है, इस पिछाड़ी के संगम युग की आयु बहुत छोटी है, जैसे ब्राह्मणों की चोटी छोटी होती है, वैसे संगम युग की आयु भी छोटी है। फिर यह दुनिया खत्म हो जाएगी तो नए मकान आदि बनाने शुरू करेंगे, उसमें पहले श्री कृष्ण आता है, वह शौकीन है महल आदि बनवाने का। कोई तो बहुत शौकीन था ना, जिसने सोमनाथ का मंदिर बनवाया, बिरला भी शौकीन है, कैसा अच्छा मंदिर बनाया है, नंबर 1 में पूज्य है शिव बाबा। फिर भक्ति मार्ग में भी पहले सोमनाथ का मंदिर बनता है, सो भी कुछ समय बाद में बनता होगा, फिर पूजा शुरू होगी, अभी तो है घोर अंधियारा, रात पूरी हो फिर दिन आता है। बाप कहते हैं मैं रात और दिन के बीच में आता हूँ, महाभारी लड़ाई भी है, लिखा हुआ है कि यादवों के पेट से वह चीज़ें निकली जिससे सारे कुल का विनाश हुआ, तुम देख रहे हो बरोबर, विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं, समझते हैं कोई प्रेरक है, दोनों ने विनाश के लिए बॉम्ब्स बनाकर रखे हैं, आफतें भी आनी हैं, तुम तो प्रैक्टिकल में देख रहे हो, स्थापना भी हो रही है, विनाश भी सामने खड़ा है, समझो कोई ने विनाश नहीं देखा है। अच्छा वैकुंठ तो देखते हैं ना, अच्छी तरह पढ़कर बाप से पूरा बेहद का वर्षा लेना है, तुमको साकार नहीं पढ़ाते हैं, शास्त्रों आदि की बात नहीं है, यह तो ज्ञान सागर स्वयं पढ़ाते हैं, तुम अपने को देही समझ बाप को याद करते हो। भगवान वाच अपने बच्चों प्रति कहते हैं, मैं तुम बच्चों के सम्मुख होता हूँ, जो मेरे बच्चे बनते हैं उनमें से कोई सौतेले हैं, कोई मातेले हैं, मातेले बच्चों को ही वर्षे का हक है, संक्षेप बुद्धि को सौतेला कहा जाता है, उनको वर्षा नहीं मिल सकता, वह फिर पुरुषार्थ अनुसार प्रजा में चले जाते हैं, मातेले राजाई में आ जाते हैं, वह बाप को प्यार करते हैं, बाप उनको प्यार करते हैं, गाते भी हैं ना, तुम पर बलिहार जाऊंगा, वारी जाऊंगा, बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो मैं तुमको मदद दूंगा, हिम्मत मर्दा मददे खुदा।
और सबसे बुद्धियोग तोड़ एक से जोड़ना है। तुम कहते हो हम बाबा के हैं, यह सब कुछ बाबा का है। बाबा को हम कखपन देते हैं और बदले में स्वर्ग के बेहद की बादशाही का वर्षा लेते हैं। इस पुरानी देह से हमारा ममत्व नहीं है, यह तो तमोप्रधान रोगी शरीर है। हमारे पास और क्या है? मनुष्य मरते हैं, सब कुछ छूट जाता है, फिर उनका सब कुछ करनी घोर को दिया जाता है। हम सब कुछ आपको देते हैं। ममत्व मिटाने के लिए हम निरंतर बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करते हैं। माया फिर विघ्न डालती है, इसलिए धीरे धीरे जितना मेरी याद में टाइम देते रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, वही मेरे गले का हार बनेंगे। कितना सहज समझाते हैं, बाप समझाते हैं, यह रथ भी ड्रामानुसार मेरा मुकर्रर किया हुआ है और किसी में मैं आ भी नहीं सकता हूँ। तुम भी कहते हो बाबा, कल्प पहले भी हम आपसे इस ही मकान में इसी ड्रेस में मिले थे और आपसे वर्षा लिया था, तो कितना सहज है। बाप कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो और कोई भी तरफ बुद्धि न जाए। याद रखना, अंतकाल जो पुत्र सिमरे, अगर किसी को भी याद किया तो फिर वहाँ जन्म लेना पड़ेगा। कहाँ भी ममत्व नहीं रहना चाहिए, कहाँ भी ममत्व नहीं रहना चाहिए। अंतकाल जो स्त्री सिमरे, तो बाबा ने इसके लिए क्या कहा कि वह बिल्कुल ही उसकी अधम गति हो जाती है। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, उनकी कितनी महिमा करते हैं। एक ओंकार निराकार उनका एक ही नाम है, उनको दूसरा शरीर मिलता ही नहीं है जो नाम बदली हो। तुम तो 84 जन्म लेते हो तो नाम भी 84 पढ़ते हैं। बाप की महिमा में गाते हैं, निर्भय निर्वैर अकाल मूरत, वही कालों का काल है, उन्हें काल खा नहीं सकता। मैं सभी को मुक्ति धाम में ले जाऊंगा। निर्वैर, मेरा कोई से वैर नहीं है। अकाल मूरत अजोनी, मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। उनकी कितनी महिमा गाते हैं, गाया भी जाता है। दुख हरता सुख करता, कलयुग के दुख हरते हैं, सत्युग को सुख देते हैं। बच्चे जानते हैं भारत में सत्युग में जीवन मुक्ति थी, बाकी सभी आत्माएं शांति धाम में थी। याद पड़ता है ना, तो ज़रूर बाप जब संगम पर आए तब सभी को शांति धाम ले जाए और तुमको फिर सुख धाम भेज दें। कितनी सहज बात है, परंतु माया ऐसी है जो यहाँ से बाहर गया तो भूल जाएंगे। जैसे गर्भ जेल में धर्मराज के द्वारा तुमको सजा दिलाता हूँ, त्राही त्राही करते हो कि हम माफ़ी मांगते हैं, फिर ऐसे पाप नहीं करेंगे। बाहर निकलने से फिर भी पाप करने लग पड़ते हैं। यह है ही माया का राज्य, सत्युग त्रेता में माया होती नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख रहता है। अभी तुम पढ़ रहे हो, इसमें घर बार छोड़ने की बात नहीं। बाबा कह रहे हैं अभी तुम क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, राजयोग की शिक्षा ले रहे हो, इसमें घर बार छोड़ने की बात नहीं। बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ भूल जाओ, तुम्हारा यह बेहद का सन्यास है। उन सन्यासियों का है हद का सन्यास, जंगल में जाकर फिर लौट आते हैं शहर में, नाम कितने बड़े बड़े रखवाते हैं। बाप कहते हैं मैं कितना सहज समझाता हूँ, बुढ़ियाएँ कितनी हैं, कहती हैं हमको धारणा नहीं होती। अच्छा, यह तो जानती हो कि परमात्मा पढ़ाते हैं। वह कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। अभी हमने 84 का चक्र पूरा किया है, यह हुआ स्वदर्शन चक्र। आत्मा को चक्र का दर्शन होता है, यहाँ ही निरोगी काया बनती है। यहाँ काया क्या बनती है? निरोगी बनती है। चक्र को जानने से तुम ऊंच पद पाएंगे, इसलिए बाबा कहते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी बनो। तो बाबा ने अभी हमें क्या बनने के लिए कहा? बाबा कहते हैं चक्र को जानने से तुम ऊंच पद पाएंगे, इसलिए बाबा कहते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी बनो। कितना सहज समझाते हैं, सहज याद, सहज सृष्टि चक्र, कोई तकलीफ नहीं। यह है सच्ची कमाई, बाकी धन माल तो सब खत्म हो जाना है, सब छूट जाता है। सागर को उथल खानी है, नेचुरल कैलमिटीज़ भी आनी है। भारत सचखंड था और कोई भी खंड नहीं था, भारत है शिव बाबा की जन्मभूमि।
बड़े ते बड़ा तीर्थ है। भारत में ही सोमनाथ का मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है, अभी तो ढेर के ढेर बनाते हैं। बाबा कहते हैं कि इस समय की शादी पूरी बर्बादी है, शिव बाबा से सगाई पूरी आबादी है। शिव बाबा साजन भी है, स्वर्ग में भेज देते हैं। तुम यहाँ आए हो जानते हो, हम यहाँ बरोबर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। ऐसे नहीं कि पुरुष जाकर पुरुष ही बनेंगे, बदलते रहते हैं, कोई चोला पुरुष का कोई स्त्री का। फिर सतयुग से त्रेता कैसे बनता है वह भी समझाया गया है, सतयुग से त्रेता कैसे बनता है वह भी समझाया गया है। अभी तुम बच्चों को नॉलेजफुल गॉडफादर पढ़ाते हैं। मनुष्य तो फादर टीचर सदगुरु हो ना सके, मनुष्य तो फादर टीचर सदगुरु हो ना सके। फादर और टीचर हो सकते हैं, गुरु हो नहीं सकते हैं। सो भी वह जिस्मानी विद्या, यह बाबा तो एकदम स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कोई भी बात न समझो तो हज़ार बार पूछो। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सपूत आज्ञाकारी बन विजय माला में पिरोना है। बाप को अपना कखपन दे बलिहार हो, सबसे ममत्व मिटा देना है। अंतकाल में एक बाप ही याद रहे, उसके लिए और सबसे बुद्धि योग तोड़, निरंतर बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अंतकाल में एक बाप ही याद रहे, उसके लिए और सबसे बुद्धि योग तोड़, निरंतर बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है सर्व खजानों को स्वयं में समाकर, दिल शिकस्तपन व ईर्ष्या से मुक्त रहने वाले सदा प्रसन्नचित भव। सर्व खजानों को स्वयं में समाकर, दिल शिकस्तपन व ईर्ष्या से मुक्त रहने वाले सदा प्रसन्नचित भव। बाप दादा ने सभी बच्चों को समान रूप से सब खजाने दिए हैं, लेकिन कोई उन प्राप्तियों को स्वयं में समा नहीं सकते। वह समय पर कार्य में लगाना नहीं आता तो सफलता दिखाई नहीं देती, फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं, सोचते हैं शायद मेरा भाग्य ही ऐसा है। उन्हें फिर दूसरों की विशेषता व भाग्य को देख ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ऐसे दिल शिकस्त होने व ईर्ष्या करने वाले कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। सदा प्रसन्न रहना है तो इन दोनों बातों से मुक्त रहो। स्लोगन है, स्वार्थ के बिना सच्चे दिल से सेवा करने वाले ही स्वच्छ आत्मा है। स्वार्थ के बिना सच्चे दिल से सेवा करने वाले ही स्वच्छ आत्मा है। अच्छा, सभी को ओम शांति।